सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर मीठा बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं यहाँ धारणा कर, दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है, जो सुनते हो वो सुनाना भी है। साथ हैं बाबा, आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं बच्चों में कौन सी शुभ भावना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है। बाबा कहते हैं बच्चों में यदि यह शुभ भावना और शुभकामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी तीव्र करना है। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। भगते हैं, अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी हैं, पुण्य आत्माएं होती ही हैं स्वर्ग में। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, यहाँ है अजामिल जैसी पाप आत्माएं और वो है स्वर्ग के देवताओं की, पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है। तो भक्त हैं, हर एक जो ब्राह्मण है वो अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा पास लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो ना सके, और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं हैं। यहाँ धारणा कर फिर करानी है, फॉलोअर्स बनाने हैं। ऐसे नहीं कि एक ही पंडित कथा सुनाएगा, यहाँ हर एक को माँ बाप समान बनना है। और एक को सुनाए तब पास हो और बाप के दिल पर चढ़े। नॉलेज पर ही समझाया जाता है, वहाँ तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवान उवाच। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, ला नहीं, परंतु भगवान ने उन्हें को पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसलिए नाम पड़ा है। तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है ना, ईश्वर की माला यहां बन रही है। ये कहते हैं हमारा तीर्थ न्यारे हैं, वो तो बहुत धक्के खाते हैं तीर्थ पर। तुम्हारी बात ही न्यारी है, तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है, तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे परंतु विकर्म कदापि विनाश हो ना सके। विकर्म विनाश के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को आत्मा समझना है और परमात्मा को याद करना है। तुम्हारी बात ही न्यारी है, तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ। रुद्र के गले का हार बनना है, माला के राज को भी जानते नहीं। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगत अम्बा, जगत पिता और उनकी 108 वंशावली। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं।
तो बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनना, इसी को ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है। अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं तो जरूर सब ऐसे होंगे, गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पर आई, यह परमात्मा की महिमा करते हैं। वो तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं, तुम अब बन रहे हो इसके आगे कोई गुण नहीं है। एक निर्गुण बालक की संस्था भी है, अर्थ नहीं समझते निर्गुण किसको कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण की व लक्ष्मी नारायण के गुणों की ही महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, और फिर तुम वो बन रहे हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहें। यहां बाप पूछते हैं तुम लक्ष्मीनारायण को बरेंगे व राम सीता को, बच्चे भी बेसमझ तो नहीं है, झट कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सब ये एक समान बन सकेंगे। बाबा कहते हैं गुरु नानक ने भी उनकी जो तपस्या की उनकी महिमा गाई है, जप साहेब का तप सुख मैले, अब तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच सच्चा साहेब वो है। जब साहेब को तो सुख मिले, वो खुद कहते हैं मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तिजरी की कथा सुनाता हूं। तो यह नॉलेज है तीसरी नेत्र मिलने की व नर से नारायण बनने की। हे पार्वतियां, हे अमरनाथ, तुमको अमर कथा सुना रहा हूं। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी नंबर वार चले आया, समय भी सतो रजो तमो होता है। यह बातें कोई भी नहीं जानते, बाबा बहुत गुह्य बातें सुना रहे हैं। आत्मा में अविनाशी पाठ है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूं, बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सदगति देता हूं। वो तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है, परंतु मिलने की तो बात ही नहीं है। आत्मा इमर्टल है, वो कभी जलती कटती घटती नहीं। बाप इन बातों को समझाने देते हैं, सभी बातों की। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए, हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये खुशी भी नंबर वार है, एक रस हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी में इतनी गति, चंद्रवंशी में इतनी गति, नापास होते हैं वो है दास दासी, दास दासियों से फिर नंबर वार राजा रानी बनते हैं, अनपढ़ अंत में पद पाते हैं। बाबा समझते तो बहुत हैं और समझाते बहुत हैं, कुछ भी ना समझो तो पूछ सकते हो, विवेक कहता है, नहीं तो वो कहां जन्म लेते, वहां भी कोई कम सुख है क्या, बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं, वह दो तीन मंजिल बनाने की दरकार नहीं रहती, जमीन बहुत पड़ी रहती है, पैसे की कमी नहीं है, बड़ा शौक रहता है बनाने का। जहां यहां मनुष्य शोक रहता है, न्यू दिल्ली बनाई तो वो समझते हैं यह नया भारत है, वास्तव में नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नरक को कहा जाता है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही वन, योग बल से विकर्मों का दग्ध करना है, ज्ञान का स्मरण कर अपार खुशी में रहना है, बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, शीतला देवी वन सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा कहते हैं जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मिंद्रिय धोखा नहीं दे सकती,
जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतला देवी बन जाते हैं और सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कोई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। तो जहां अंश है वहां वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसीलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोब का संस्कार इमर्ज ना हो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी सफलता मूर्तात्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।